नमस्कार, आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशि फल लेके। दिनांक 4 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक का ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहां सावधानी रखनी है, कौन सी राशियों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कौन सी राशियों के लिए नुकसानदायक होगा, चाहे वो धन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे वो संतान की बात हो या विवाह, सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं डिटेल में मैं बताऊँगा आपको। इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं तो 7 तारीख को छठ पूजा है, जो लोग रखते हैं उनको मैं बता दूं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा की शुरुआत इस हफ्ते में होगी। शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक बात। राहु का अगर कहा जाए द्वादश में होना, चंद्रमा अगर कहा जाए तो हफ्ते की शुरुआत में सप्तम में होना, शरीर, मन, शत्रु, कर्जा, ये चार चीज़ों से आपको सावधान रहना है। कर्ज देना, कर्ज लेना में भी सावधानी रखिए। व्यवसाय व्यक्ति की चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव थोड़ा मोड़ा आएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो कोई भी व्यक्ति को उधार देने से पहले देख लीजिएगा, उधार की बात जो मैं कह रहा हूँ वो उधार कहते नहीं, कोई काम के लिए उधार दिया, अब भाई बिजनेस कर रहे हैं तो एक आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं सरकारी नौकरी वालों के लिए इस हफ्ते में सावधानी रखनी है, मन और प्रतिष्ठा कहीं दांव पे लग सकती है, सावधान होके चलें। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सामान्य है, लेकिन नौकरी में परिवर्तन करना उचित नहीं है। जब तक नौकरी मिल ना जाए, और कोशिश ये करिएगा कि नौकरी को सब कुछ देख लीजिएगा, उसके बाद ही बदलाव करिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहें तो क्रोध पे नियंत्रण आपस में रख के चलिएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा क्लेश, कुतर्क हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए 4 तारीख और 5 तारीख बेहद अच्छी है सावधानी। 7 तारीख और 8 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6 वृषभ राशि। राशि से सप्तम भाव में, छठे भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। शुक्र चंद्रमा की युति अगर कहा जाए धनदायक है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना है, पढ़ाई करनी है, व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, किसी भी प्रकार से विदेश या घर से दूर, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय है। व्यवसाय में बढ़ोतरी को दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, निवेश इत्यादि चीज़ों में प्रॉफिट को दिखाता है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए भी समय ठीक दिख रहा है। एक बात, वहीं पे कोई नया काम शुरू करना उसके लिए अच्छा है। लोगों का साथ और सहयोग दोनों ही मिलेगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प इस समय पे करेंगे। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में कुछ प्लान आप करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, प्लानिंग आपकी जो है सक्सेसफुल भी होगी। वृषभ राशि वालों के लिए 4 तारीख और 7 तारीख इस हफ्ते की सबसे अच्छी डेट हैं। 9 तारीख और 10 तारीख सावधानी बरतने। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9 मिथुन राशि। राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। पूरा हफ्ता ही अच्छा है। धन के लिए, काम के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, उन लोगों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। लोगों का साथ और सहयोग दोनों ही मिलेगा। व्यापार से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे मिल जाएंगे। वहीं ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार साथ देगा, कुछ तनाव भी होगा। जमीनी कोई वाद विवाद या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित तनाव चल रहा है, प्रयास करिएगा, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से बढ़िएगा, चीजें आपके हक में आ जाएंगी। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो 7 तारीख और 9 तारीख बेहद अच्छी है सावधानी। 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1 कर्क राशि। राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार के कारण अगर कहें तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं, परेशानियां या स्वास्थ्य, कोई भी बात हो सकती है जिसके कारण कार्य क्षेत्र में काम ना कर पाना। वहीं संतान को लेके चिंताओं को दिखाता है। संतान और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिएगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्व का ध्यान रखें। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में अवरोध उत्पन्न होंगे और प्रेमी जुगलों को थोड़ा सा धैर्य से चलने की आवश्यकता है। वहीं पिता, गुरु कहीं फंसते हैं उनसे राय जरूर लीजिएगा, एक बात।
दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, अगर आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा हैं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन कुछ जल्दबाजी के कारण कुछ चीज़ों में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो जल्दबाजी मत करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। सिंह राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए चंद्रमा तृतीय भाव में हफ्ते की शुरुआत में रहेगा, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए काम के लिए सामान्य है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस हफ्ते में। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, चोट चपेट का योग बनता है। एक बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाहन ही चलाते समय लोगों को चोट लगती, फिसल जाए, एड़ी मुड़ जाए, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वहीं व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिए, अपनी आँख कान खोल के ही चलिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए सामान्य, जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय भी करना चाह रहे हैं उनके लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है, प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें तो 4 तारीख 5 तारीख अच्छी है, सावधानी विशेषकर 7 और 8 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा, ऐसे में कहा जाएगा तृतीय चंद्रमा धन के लिए काम से संबंधित चीज़ों के लिए उतार चढ़ाव को इंगित करता है। घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, धन का व्यय ज़्यादा होगा, वैवाहिक जीवन में मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं तनाव होगा, जीवन साथी जो भी आपका विवाह है और घर परिवार में आपसी तालमेल में कमी आएगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, और क्रोध पर नियंत्रण करके चलें। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से चिंताओं को दिखाता है, वहीं धन के दृष्टिकोण से समान है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत ज़्यादा किसी के कहे के अनुसार अपनी चीज़ों को मत लगाइएगा, बाकी सामान्य है। कन्या राशि वालों के लिए 7 तारीख और 8 तारीख कुछ ठीक दिख रही है, 9 और 10 विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। तुला राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता मिला जुला सा, धन के लिए काम के लिए सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। अगर किसी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लोगों का साथ सहयोग अगर कहा जाए तो मिलेगा, और लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। किसी प्रकार के वाद विवाद अगर कोई चल रहा है तो थोड़ा सा सावधानी रखें, अपने आप को वाद विवाद से बचा के चलें, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको बरगलाएंगे, कहते नहीं चाटुकारिता कल कुछ भी किसी प्रकार से, जहां पर धन का इन्वॉल्वेशन हो, पैसे का इन्वॉल्वेशन हो तो थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। वहीं तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा, पेट का खान पान का विशेष ध्यान तुला राशि वालों को रखने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए 4 तारीख और 9 तारीख अगर कहा जाए तो कुछ ठीक दिख रही है, 4 और 5 अगर कहा जाए विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में सामान्य, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा। व्यवसायी हैं, नए कामों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलिएगा। एक बात, गवर्नमेंट से संबंधित या अपने कागज पत्र, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो भी चीज़ें होती हैं उनमें सावधानी बरतें, कर्जा लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी, किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। दो लोगों के झगड़े में आप जाएंगे, ठीक है मैं मनवा देता हूँ, मैं सुलटवा देता हूँ, और वहीं आपको ही कहीं ना कहीं लपेट दिया जाएगा या वहां पर आप फंस जाएंगे, वो दोनों हट जाएंगे, आप जो है सावधानी बरतें। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, आपके अंदर ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहेगी, अपने काम के प्रति आप वफादार होंगे, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, वाहन खरीदना या बेचने से संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए तो अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 तारीख और 8 तारीख अच्छी दिख रही है, 4 और 5 तारीख अगर कहा जाए सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। धनु राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर, कोई बात नहीं,
पहला दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा हफ्ते का, उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है, सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए अच्छा है, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, कुछ पुराने मित्र आपको दोबारा से मिल सकते हैं। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा कि आप अगर नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी इस समय पे सफलता आपको मिलती हुई दिख रही। घर परिवार का सहयोग और साथ मिलेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, अपने देश में आके काम करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। धनुराशि वालों के लिए 4 तारीख और 10 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी 6 और 7 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो आपकी राशि से लाभ भाव में कहीं ना कहीं चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा का लाभ में जाना धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, अगर आप व्यवसायी हैं तो भी सामान्य है। धन काम इत्यादि चीजें अगर कहें तो सामान्यता व्यवस्था चलती रहेगी। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में कोई आपको लाभ लेना है, और खासकर अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, धन के लिए, पद के लिए, उससे संबंधित बातचीत आप कर सकते हैं या उस दिशा में बढ़ सकते हैं, आने वाले समय में सफलता मिलेगी। सरकारी तंत्र, समाज सेवा, समाज से जुड़े हुए कामों में भी कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। व्यवसाय में बढ़ोतरी को दिखाता है। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहें शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समान, प्रेमी जुगलों के लिए थोड़ा सावधानी बरतें। मकर राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो 4 तारीख और 7 तारीख अच्छी दिख रही है, सावधानी 9 और 10 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कुंभ राशि, राशि से दशम भाव में चंद्रमा का गोचर, धन के लिए, काम के लिए हफ्ता अच्छा है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी से कोई विशेष लाभ लेना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही, या फिर पहली बार ही प्रयास कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। निवेश शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश हो, उसमें भी सफलता मिलती हुई दिख रही है। भाग्य साथ देगा, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। जमीनी कोई वाद विवाद या जमीन खरीदना बेचना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय। स्थान के परिवर्तन के लिए भी अच्छा कहलाएगा ये समय, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप मकान बदलना चाह रहे हो, चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी स्थान का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय नई नई संभावनाओं को दिखाता है। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए तो प्रेम को अगर विवाह में बदलना चाह रहे हैं, तो घर परिवार में बातचीत करना चाह रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक ही करें। कुंभ राशि वालों के लिए 7 तारीख और 9 तारीख अच्छी है, सावधानी 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। मीन राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। भाग्य 2 कदम आगे आपसे चलेगा, मतलब भाग्य के सहारे व्यवस्थाएं आपकी बढ़ती जाएंगी। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। कोई खुशखबरी इस समय पे मिल सकती है। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें तो अच्छी नौकरी के संकेत मिलते हैं। जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों में सफलता, एक बात। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ। घर परिवार का माहौल अच्छा भी रहेगा। अगर कोई वाद विवाद पीछे चल रहा है माता पिता भाई बहनों से, उसमें कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, या फिर बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक बात, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अचानक से रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं, या अचानक बातचीत हो सकती है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में पिता थोड़ा सा दिक्कत देंगे, ठीक है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए भाग्य के सहारे व्यवस्थाएं बनेंगी, हालांकि लापरवाही भी अच्छी खासी आप इस समय पे करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद या कोई तनाव या कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।